ये एक्चुअली नीलोफर का इलाका है, बुर्सा में हम मौजूद हैं। बुज़दिलिक पार्क एक्चुअली तुर्की का बड़ा ब्रांड है जिसका यहाँ बहुत बड़ा सेटअप है, और नाइक, एफिलो और इसके अलावा दुनिया भर के जितने ब्रांड हैं उसमें से मैक्सिमम ब्रांड्स के आउटलेट्स यहाँ अंदर मौजूद हैं। जब आप इस बिल्डिंग में पहुँचेंगे तो मंडी आने के लिए आपको इससे गुजरना पड़ेगा। मेन रोड से जब आप इस तरफ मार्ट की तरफ आएंगे तो यहाँ पार्किंग एरिया से गुजर के इसके बैक पर मंडी है, और मंडी थोड़ा सा कवर्ड एरिया में थोड़ा सा अंदर की तरफ उन्होंने बनाई है। उसके बैक पर पहाड़ हैं और थोड़ा सा जंगल है, जंगल को ऑर्मन कहते हैं यहाँ तुर्किश लैंग्वेज में। शॉप के ऊपर देख रहे हैं पूरी अंगूर की बेल लगी है, वहाँ देखो। जरा वेट चेक करें आप, शेयर में ये यानी कि 27 लीरा पर केजी के हिसाब से दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत और हैवी जानवर है, 27 तुर्किश लीरा पर केजी के हिसाब से उन्होंने हमें प्राइस बताई है, और 370 एक्चुअली उसका जो है वो वेट था केजी के अंदर। ये दो जो जानवर हैं इनकी प्राइस है 22,000 तुर्किश लीरा। अच्छा यार, इस तरफ दुबे नज़र आ रहे हैं मुझे। अच्छा जी, ये है शीप सेक्शन, इनके सींग कितने खूबसूरत हैं, लग रहा है कोई नक्श बनाया हुआ है सींग पर। चश्मे का साफ पानी लाइन में आ रहा है, वो बता रहे हैं भाई इसका नाम पाशा है। ये देखें, ये इनको साफ पानी पिला रहे हैं चश्मे का। आप इससे भाई से पूछो कि इसको क्या क्या खिलाते हैं, खाने में क्या खिलाते हैं जो ये इतना हैवी जानवर हुआ है। ये जो इसका चारा है ये समर है, समा जो बड़े जानवर हैं, हैवी जानवर हैं, 2-3 दिन में 300-350 लीरा का खाना वो खा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम रज़ा एंड यू आर वाचिंग रास्वेर इन्फो। जैसा कि आपको पता है कि हम हैं टर्की में, और टर्की की मुख्तलिफ प्लेसेस आपको दिखाते रहते हैं, तो आज हम लेके आए हैं एक ज़बरदस्त व्लॉग। इस व्लॉग को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज बहुत मज़ेदार जगह पर हम मौजूद हैं जिसका नाम है मंडी। जी, मतलब ये है कि आपने पाकिस्तान की मंडी देखी होगी कि वहाँ किस तरीके से गाय भागती हैं, आगे आगे गाड़ी में चल रही हैं, यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ बिल्कुल सेपरेट मंडी होती है। और आज हमने आप सोचा कि आपको ये दिखाएं कि तुर्की में कुर्बानी कैसे होती है, जानवर कैसे ख़रीदे जाते हैं, बिकते कैसे हैं, उसका हिसाब क्या होता है, और यहाँ थोड़ी सी सिचुएशन क्योंकि डिफरेंट है। दो तरीके से जानवर की कीमत का तयन किया जाता है। नंबर वन, बिल्कुल सेम जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है कि आप जाएं, जानवर देखें, आपको पसंद आ गया, आप उसने पैसे बताए, आपने ख़रीद दिया। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इस तरह भी आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन दूसरी सिचुएशन ये है कि यहाँ वेट के हिसाब से जानवर बिकता है। तो बहुत ज़्यादा हैवी जानवर भी हैं, नॉर्मल जानवर भी हैं, और बहुत बड़ा उसका वेट मशीन लगाई हुई है, उस पर रेट क्या है ये अभी हम आगे चल के देखेंगे, आपको बताएंगे कि यहाँ जानवरों की कीमत कितनी, कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक वो जा रही है। बुल बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आए हैं, बहुत बड़े बड़े मुँह वाले बुल यहाँ मुझे नज़र आए हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं। तो तुर्की में लोग कुर्बानी किस तरह करते हैं, जानवर किस तरह ख़रीदते हैं, जानवरों की प्राइस क्या है तुर्की में, और वेट के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से कितनी उनकी प्राइस है, ये सब चीज़ें अभी आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जुड़े रहें रास्वेर इन्फो के साथ, चलते हैं जल्दी से और शुरू करते हैं आज का मज़ेदार मंडी का व्लॉग। ओके, तो लेट्स मूव विद मी। Abi buyur, buyur abi. Ne kadar bu abi? Nasıl abi? Köpek kim var ya? Tavsiyeler. Ne kadar? Zanlı mı? Hı. Zanlısı bu 370 kilo abi. Zanlısı. Abi siz kilo ile mi satıyorsun? Nasıl? Yani siz kilo abi, göre mi satıyorsun? Yoksa kilo ile de satarım, normal pazarlıkta da satarım. Mükemmel bir fiyat yok yani. Yok. Ha, kilo ile satıyorsun değil mi? Evet. Hmm.
Kilo şu an 27 lira diyor. Sağ olun. 20? 27. 27. Evet. तो मतलब ये है कि यहाँ पर कोई फिक्स प्राइस नहीं है, किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। यार मैं ये दे यानी कि 27 लीरा पर केजी के हिसाब से दे रहे हैं। हाँ अच्छा, और तकरीबन कितने केजी का होगा ये? यानी तम olarak bu ne kadar kilosu olacak? Bu zanlı 370 kilo. Zanlı. 370 değil mi? Evet 370 kilo karkazla fuzana. 370 kilo. तो व्यूअर जिस तरह के आपने देखा कि यहाँ एक्चुअली ज़्यादातर जो प्राइस है वो एक्चुअली वेट के हिसाब से है। तो अभी बहुत खूबसूरत एक जानवर हमें नज़र आया था, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था, एक नॉर्मल बुल था, लेकिन अभी हमने उसकी प्राइस यहाँ पता की है तो वो 27 तुर्किश लीरा पर केजी के हिसाब से उन्होंने हमें प्राइस बताई है और 370 एक्चुअली उसका जो है वो वेट था केजी के अंदर, जो कि 9990 का जो है वो एक्चुअली बना है, यानी कि ऑलमोस्ट 10,000 उसकी जो है वो प्राइस है तुर्किश लीरा में। तो अभी और आगे देखते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। Abi fiyatı ne yazı biliyor musun abi? Fiyatı yazı biliyor musun abi burada? Bunun fiyatı bu 22. Tamam tamam tamam. Ha da sayı ne? Ha bu 10 kadar. Bu yazı böyle 22 kadar. Tamam tamam tamam. Nasıl? Aa, hayvan çok güzel. Hayvan çok güzel, çok güzel değil mi? Maşallah. Maşallah. Ha. Ben baktım. Ben hep baktım. Bak bak. Yani o bile. İnanın ha, ये इनकी देखभाल करते हैं। हम साहिब हैं, हम शेर। हम मतलब कहने साहिब भी हैं और देखते भी हैं। अल्लाह बरकत। Abi biz buraya memleketten hayvanları getirdik. Buraya milletin bütün malı satılmamış. Hepsi duruyor. Yem torba 150 80'den 150'ye çıkmış. Bizim insanlarımız geçen seneden ucuz kurban almaya düşünüyorlar. Diyorlar neymiş? İmkanlar, şartlar zorlaşmış. Pani bilane ka yahan mukammal intizam hai, saaf pani bilkul chashme ka saaf pani line mein aa raha hai, yahan jama ho raha hai aur uske baad ye balti ke andar nikal rahe hain aur uske baad janwaron ko bila rahe hain. ये जैसा कि आप देख रहे हैं और अभी जो हमने जानवर देखा वो अभी ये दो जो जानवर हैं इनकी प्राइस है 22,000 तुर्किश लीरा एक ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत और हैवी जानवर है और इससे पहले जो हमने देखा था उसका 300 समथिंग उसका वेट था और उसकी प्राइस थे जनाब 10,000 तुर्किश लीरा और इसकी प्राइस है 22,000 तुर्किश लीरा। ये देखें ये इनको साफ पानी पिला रहे हैं चश्मे का। अच्छा जी अंकल कह रहे हैं इसका जो अदर पाशा अंकल ने इनकी कैद खिलाई पिलाई करी तो इन्होंने इसके जानवर का नाम रखा माशाल्लाह। नाम पाशा पाशा माशाल्लाह। हाँ वो बता रहे हैं भाई इसका नाम पाशा है जिसकी प्राइस है इस वक्त 22,000 तुर्किश लीरा। ये देखें कितना ये इनसे मानूस है, कितना ये इससे प्यार करते हैं। अच्छा आप इससे भाई से पूछो कि इसको क्या क्या खिलाते हैं, खाने में क्या खिलाते हैं जो ये इतना हैवी जानवर हुआ है। Bu ne yiyor? Bu. Bu ağır mı? Bu samar. Bu samar. Bu yem. अच्छा भाई ये समर है जो ये इसको खिलाते हैं बता रहे हैं इधर के चारा समर। हाँ ये जो इसका चारा है ये समर है। समर समर समर। हाँ ये ना समर ये इसको खिलाते हैं। उसके अलावा और क्या खिलाते हैं भाई बताएं जरा। यम 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 इस टाइप की मतलब ये इस ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाते हैं जिसकी वजह से ये इतना हैवी हुआ है जानवर और इतना ज़बरदस्त इसकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। ये 180 का पूरा एक बोरा है। अच्छा भाई 180 का ये पूरा बोरा है और कितने टाइम में खा लेता है ये? बिर हैवान बिर हैवान अबे बिर फाकिट ने कदर ज़माना नहीं है बिर फाकिट 2-3 गुंदे यूर। हाँ
ये कह रहे थे दो तीन दिन में एक पैकेट दो तीन दो एक एक जानवर दो तीन दिन में पूरा एक पैकेट खत्म कर। अच्छा और 180 का है। हां 180 का सामान का खर्च कर लियो सादेचे बुनु ये मियो। हां सामान का खर्च कर लियो मतलब ये कि कहते हैं वो खाली वो नहीं खाते इसके अंदर कहते हैं मिलाकर उनको दे। अच्छा इसका मतलब फिर भूसी और इसका बोरा कितने का होता है इसका 1 किलो हां 1 लीरा तमाम। अच्छा ये जो भूसा टाइप हमें लग रहा है इसका भी इन्होंने नाम बताया ये एक्चुअली 1 लीरा का 1 किलो के हिसाब से है और ये 40 लीरा की तकरीबन ये बोरी होती है और जब ये जानवर को खिलाते हैं तो ये इसके अंदर मिक्स कराते हैं और इसके अलावा ये जो आपको पैकेट से नज़र आ रहे हैं इस पैकेट के अंदर ये भूसी टाइप की जो चीज़ है ये इसके अंदर मिलाते हैं और मिक्स करके जो है वो इसको खिलाते हैं और दो से तीन दिन के अंदर ये सब मिला जुला खाना ये ख़त्म कर लेता है एक जानवर। यानी कि 180 लीरा का ये है एक बोरी है और 50 लीरा की 40 से 50 लीरा की वो बोरी है इसके अलावा कुछ और इसके अंदर चीज़ें मिलाते हैं तो तकरीबन नियर अबाउट 350 का खाना एक जानवर इस तरह के जो बड़े जानवर हैं हैवी जानवर हैं 2 से 3 दिन में 300 से 350 लीरा का खाना वो खा लेते हैं तो उसके बाद फिर उनकी ये सेहतें जो आपको नज़र आ रही हैं उसके हिसाब से ही उनकी कीमतें जिस तरह की मैंने आपको बताया कि 22,000 लीरा इसकी प्राइस है इस वक्त। तो और आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो शुक्र इधरम अभी तो शुक्र इधरम। अच्छा जी इसी तरह और यहाँ जानवर हमें नज़र आ रहे हैं बहुत खूबसूरत जानवर हैं बड़े प्यारे प्यारे जानवर हैं दिल चाह रहे सब खरीद लूँ एक ही दिन में सबकी कुर्बानी कर दूँ। दुआ करें कि मेरा चैनल इतना बड़ा हो जाए आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं फिर एक एक हर बकरीद पे 5 जानवर 10 जानवर जो है वो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करूँ। जैसा कि अभी आप ये देखें कि यहाँ पर ये ब्राउन कलर के जानवर हैं और इसकी आँखों से मुझे लग रहा है कि बड़ा खतरनाक आदमी है भाई है। सलाम वालेकुम का आदेश अच्छा जी अब आ गए आ जाए आप हैवी जानवर के ऊपर और यहाँ जनाब इसका रेट जो है वो किलो के हिसाब से नहीं है इसका लमसम अमाउंट है 30,000 तुर्किश लीरा। हाँ भाई अली तो 30,000 तुर्किश लीरा कितना हो गया पाकिस्तानी। तो सबसे पहले तो जब तक तुर्किश लीरा 20 के ऊपर और 20 के नीचे तो उसको तो एक पाकिस्तानी को तुर्किश में और तुर्किश को पाकिस्तानी में कन्वर्ट करने की एक टेक्निक है तो वो मेरी अपनी बारे में टेक्निक सबसे पहले तो मैं आपको उसको बताता हूँ। 30,000 को सबसे पहले अगर आपको तुर्किश के अंदर पाकिस्तानी अगर रुपीज़ में आपको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो आप 30,000 को डबल करेंगे 30,000 का डबल करें तो आपका हो गया 60,000 का होने के बाद आप उसका आगे 10 और लगा देंगे इसका मतलब ये आपका हो गया 60,000 के आगे आपका लग गया 6 लाख का इनका 6 लाख से ऊपर 6 लाख से थोड़ा सा नीचे इनके सारे जानवर लगे हैं पाकिस्तान। तो देखा आपने कितनी ज़बरदस्त आपको जो है वो अली ने टेक्निक बताई पाकिस्तानी करेंसी और टर्किश लीरा को जो है वो आपस में एक दूसरे से जो है वो कंपेयर करने की और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार और जानदार भाई जानवर है ये और जनाब पाकिस्तानी 6 लाख तुर्की 30,000 तुर्किश लीरा के अंदर ये मौजूद है ये भी 30 वाला है इसके साथ ये भाई साहब जो खड़े हुए हैं बहुत तगड़े हैं ये भी 30 के अंदर हैं और ये इन्होंने 30 की सेल लगाई हुई है 30,000 का ये नारा लगा रहे हैं यहाँ पर ये देखें आप और माशाल्लाह से बहुत हैवी जानवर हैं ये जैसा कि आप देख रहे हैं इनकी ज़रा वेट चेक करें आप ऑर्गेनिक ग़िज़ा पर इन जानवरों को पाला गया है जो चीज़ें तीन चीज़ें इनकी खुराक में मैंने आपको दिखाई उसके अलावा एक ये चीज़ है जो इन्हें खाने में खिलाई जाती है जिस तरह हमारे पाकिस्तान में भी एक चारा होता है वो लेकिन यानी कि नम चारा होता है फ्रेश चारा होता है ये खुश चारा है। खुश चारा खिलाने की लॉजिक ये है उसमें मंतक ये है कि खुश चारा जब ये जानवर को खिलाते हैं तो जानवर को नज़ला नहीं होता जानवर बीमार नहीं होता क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा
कि जब लोग कुर्बानी के लिए अल्लाह की राह में एक जानवर को कुर्बान करने के लिए लेके आते हैं तो वो बहुत अच्छा एक्टिव होता है, और जब वो घर ला के उसको दो दिन चार दिन तीन दिन खड़ा करते हैं तो वो बीमार हो जाता है और उसके साथ डिफरेंट प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि जहाँ से वो आया होता है वहाँ से वो बिल्कुल प्योर एनवायरनमेंट से आया होता है और अच्छी ग़िज़ा वो खा रहा होता है, उसके मालिक को पता होता है कि इसको क्या खिलाना है, और जब हम उसे लेके आते हैं तो क्या होता है कि वो खुश्क ग़िज़ा के बजाय हम उसे यानी कि नम जो चारा होता है, फ्रेश यानी कि जो लीव्स वाला चारा होता है वो उसको खिलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फ़ौरन उसको नज़ला होता है और फिर वो बीमार होना शुरू हो जाता है। तो वो समटाइम फिर इतना बीमार हो जाता है कि फिर वो जो ख़रीद के लेके आया होता है वो बीमार हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से आप बचें। और नहीं तो ये तो बताएं कि वो जो ख़रीद के लेकर आता है वो क्या कहते हैं, फिज़िकली बीमार नहीं होता, वो कहते हैं जेबली बीमार हो जाता है। वो जेबली मेंटली फिज़िकली जब जो है वो किसी का अगर जो है वो 6 लाख का 5 लाख का जानवर अगर वो लेके आया है तो वो अगर गिर गया तो वो खुद गिर जाता है ना। लाजमी सी बात है कि जो है वो फिर उसका दिल टूट जाता है ना। लाजमी बात है कि क्योंकि देखिए जब कोई गलती करता है तो फिर उसका खुमियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जब आप कोई जानवर लेके आए तो उसे खुश चारा खिलाएं, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया कि भूसी और इसके अलावा जो टर्किश नेम मैंने अभी आपको बताया वो उस टाइप की चीज़ें, फिर ये कि इस तरह की घास जो कि सूखी हुई घास है तो ये अगर जानवर खाएगा तो वो बिल्कुल बीमार नहीं होगा, बिल्कुल एक्टिव रहेगा और जैसा आप लेके आए हैं वैसा ही आपके पास रहेगा, और कुर्बानी के टाइम तक आप उसे अच्छे तरीके से उसकी टेक केयर करके अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हैं और ढेर सारा सवाब हासिल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें और आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी दिखाते हैं आपको, शाम होने वाली है। अच्छा यार इस तरफ दुम्बे नज़र आ रहे हैं मुझे, अच्छा जी ये है शीप सेक्शन और यहाँ है काफ़ी, नहीं ये शीप सेक्शन नहीं, ये है दुम्बा प्लाज़ा। ये है रिम जैसे कराची में है रिम्पा प्लाज़ा, वैसे यहाँ है दुम्बा प्लाज़ा। तो आए दिखाते हैं आपको, देखिए इनके सींग कितने खूबसूरत हैं, वो लग रहा है कोई नक्श बनाया हुआ है सींग पर। अच्छा जी दुम्बो को बोलते हैं टर्किश में कुजू, तो हम आ गए हैं कुजू सेक्शन में भाई, और यहाँ चल रहा है इनका खाना पीना, डिनर प्लस लंच, शाम का क्योंकि टाइम हो गया है तो एक सीक्वेंस है। ये देखें बहुत तमीज से दोनों साइड्स पर खड़े होके ये खा रहे हैं अपना खाना। सलाम वालेकुम कार्देश, अबे सिजन में रिपोर्ट आ चला जमा यफम अबे सुनले अबे वो कुजू दे ना रुको हां हां इधर आ जा इधर आ जा, इसने ब्यूक में कुछ प्यार मार भी फिर हिप से नॉर्मल है तो ब्यूक जा वो ये छोड़ रहा है क्यों जा वो ये छोड़ रहा है ब्यूक के कदर में सिर्फ जो बड़े इनके जो वो है दुम्बे है उनके क्या कहते हैं 2000 से 3000 तक की उनकी प्राइस है कुछ करमिज 2000 लिरा 2100 लिरा 2200 लिरा। अच्छा कुचुक के अंदर भी कहते हैं जो मतलब ये कि जो छोटे हैं, हाँ हाँ जो छोटे हैं वो कहते हैं 2000 2500 के हैं, और हैं भी यानी कुछ भी वे करे कुछ भी अबे जो बड़े हैं वो 3000 3500 इस तरीके से। अच्छा और केजी के अंदर बिर किलो नहीं कदर एयर केजी वाला 87 बिर किलो से नहीं कदर फास्ट किलो 85 लिरा नहीं फास्ट किलो जान फास्ट किलो और हां हां 85 लिरा बिर किलो से है ना किलो के हिसाब से 35 लिरा के अंदर पर केजी है पर केजी देंगे। अच्छा फास्ट का गन आपको हां अच्छा तो पूछो और जो वो इनको क्या खिलाते हैं क्या सिलसिला है क्या खिलाते हैं इनको। बुनर ने येला yonca ot altında arpa var yem mısır var
हाँ मिसर दे वाह मिसर दे वाह अच्छा जी भुट्टे के दाने भी ये लोग खिलाते हैं। अच्छा भाई इनको जो है वो सूखी भी घास खिलाते हैं और भुट्टे के दाने खिलाते हैं, इस तरीके से इनका खाना पीना यहाँ चल रहा है। और जैसे जो है वो केजी के हिसाब से अगर आप लेंगे तो कितने मतलब जिस वेट का जानवर है 35 तुर्किश लीरा पर केजी के हिसाब से उसके प्राइस हैं। और अगर वैसे आप डायरेक्टली अगर सौदा करते हैं तो उस कंडीशन में जनाब 2 से 2500 के अंदर जो है वो एक छोटा दुम्बा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोई इस टाइप के दुम्बे की, जैसे ये अभी यहाँ ये नज़र आ रहा है, तो ये जो है वो 2000 की रेंज में है, 2 से 2500 की रेंज में। और अगर हम बात करें भाई किसी जानदार की, जैसे ये अभी भाई साहब ज़रा भागते भागते हुए जा रहे हैं, ये देखें, तो इनकी प्राइस है यहाँ पर लमसम के अंदर अगर करीब 3000 तुर्किश लीरा, जो कि पाकिस्तानी बनता है नियर अबाउट 60,000। ने अभी इब्राहिम माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह बरकत है हसन हजरत इब्राहिम फैमिली में सुनने इनका नाम भी इब्राहिम है और ये काम भी सुन्नत भी हजरत इब्राहिम की सुन्नत है वही कर रहे हैं। वो पाकिस्तान टेलीविजनदम गोस्टर जी बोल रहे हैं YouTubeदान यानी YouTube तुम दुनिया गोरी हो दुनिया गोरी हो YouTube दुनिया गोरी हो हम द पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान लोग गोरे देखते हैं ये इब्राहिम खलील चौक तशक्कुर इद्रिम अल्लाह अमानत अल्लाह अमानत एक शमला यहाँ भी जानवर हैं। ये गाय का सेक्शन है, जितनी भी नज़र आ रही हैं वो थोड़ी स्मार्ट स्मार्ट गाय नज़र आ रही हैं। यहाँ अभी हमने आपको बुल वाला सेक्शन दिखाया, तो ये गाय वाला सेक्शन है। यहाँ पर डिफरेंट कलर्स की जो है वो गाय हैं और ऑर्गेनिक खाने पर पली हुई हैं, सेहतमंद हैं। आए थोड़ा सा और आगे चल के आपको मतलब ये कि 25 से 30 का ये कहते हैं एक किलो के हिसाब से दे। अच्छा भाई 25 से 30 के हिसाब 25 तुर्किश लीरा से 30 तुर्किश लीरा पर केजी यहाँ पर काओ का रेट है, बुल का रेट हमने आपको दिखा दिया। अब काओ का रेट थोड़ा सा मुझे मुनासिब लग रहा है, थोड़ा सा नीचे लग रहा है। तो ये मतलब यहाँ गाय की भी कुर्बानी होती है और बुल की भी कुर्बानी होती है। मोस्टली ज़्यादातर लोग जो है वो बुल पसंद करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी होता है और थोड़ा सा अगर किसी को स्मार्ट चाहिए तो वो गाय भी यहाँ अवेलेबल है। Çıktı abi. Çek. Ha çek abi. Selamun aleyküm. Allah bereket versin. Selam. Hep kardeş. Öyle değil mi? Hoş gördük. Hep kardeş. हाँ जी, तो जैसा कि आपने देखा कि भाई बुल का रेट हमने आपको बताया, यहाँ आपको हमने शिप का रेट बताया, इसके साथ हमने गाय का रेट बताया। ये पूरा सेक्शन यहाँ से लेके वो वहाँ तक भी जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ सारी गाय हैं। और अच्छा भाई, यहाँ सबकी ये ख्वाहिश है कि उनके जानवर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए जाएँ ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे देखें और उसके। अस्सलाम वालेकुम, कहा थे कैसे हो?
memleket nerem memleket? Pakistan abi. Pakistan. Pakistan hoş sefa, hoş sefa. Aa, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biz kurban getirdik. Duga, senin hayvan. Vallahi. Benim. Benim. Ha, siz nereden geliyorsunuz? Pakistan'dan abi. Pakistan'dan hoş geldin. Evet. Arapça biliyor musun? He? Arapça. Hayır yok abi. Arapça bilmiyorum. Bizi çekiyor görüyor. Abi çekiyorum ya. Abi. Çek. Çok güzel bir yüzü vardı. Onu çekiyor. Nasıl Türkiye güzel? Ha, çok güzel abi vallahi çok güzel. Burada alımlar çok güzel. Yemek çok güzel. Kurbanı getirmiş. Bayramda kurban kesiyoruz. Allah rızası için. Fakir fukara dağıtıyorlar. Evet. Acaba Jito. Müslüman bir ülke. Abi ye bata rahe hain ki kehte hain Turki matlab ek Musliman mulk hai aur kehte hain yahan par hum qurbani ke janwar lekar aa rahe hain aur kehte hain Eid ke din hum matlab sare janwaron ko qurban kar rahe hain. Yerlerimiz temiz, kesim alanı İslam şartlarına göre mal kesiyoruz. Abi, bu ne kadar para? Bu para olarak. Bu para 17 lira. 17,000. 17,000. 17,000 का ये जानवर है और 17,000 में ये जानवर बुरा नहीं है. जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा खूबसूरत ये जानवर है ये देखिए. माशाल्लाह. 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 ये देखिए. जबरदस्त इसके वो व्हाइट कलर का इसका फेस है. किलो के हिसाब से भी ये बेच रहे हैं. किलो के हिसाब से भी ये बेच रहे हैं और किलो ये देखिए आप कितना खूबसूरत जानवर है. ये बहुत एक्टिव और माशाल्लाह से खूबसूरत जानवर है. तमाम तशक्कुर इदराम आप तशक्कुर इदराम गुरुशिरज Şimdi pahalılık var. Evet. तो जैसा कि आप इस शॉप के ऊपर देख रहे हैं पूरी अंगूर की बेल लगी हुई है. वहां देखो. अच्छा इसके अंदर एक्चुअली कंप्यूटर लगा हुआ है और इसके बाहर वेट मशीन लगी हुई है. मैं अभी आपको दिखाता हूँ. ये जो भी जानवर यहाँ मंडी से वो सामने से जो भी जानवर लेके आए जाते हैं वो यहाँ आके उसके बाद ये वेट मशीन है जिसके ऊपर उसका वेट होता है और उसके हिसाब से जो केजी का यहाँ हिसाब है उसके हिसाब से उससे पैसे लिए जाते हैं. ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है मीटर जिसके ऊपर उसका वेट आता है. Bu yerin ismi nedir? Bu yerin ismi nedir? Alettin Bey Hayvan Pazarı. Abi jaise hum Alauddin bolte hain tarike se inka hamare D hai wo inka T hota hai to is wajah se Alauddin Bey Bey inka matlab kehte hain wo hota hai Alauddin Bey Hayvan Pazarı. मानी जानवरों का बाजार. अच्छा आला तीन बे इस जगह का नाम है और सनन अदन ने अभी वेसल वेसल इनका नाम है और ये पूछो कि हर साल यहाँ तकरीबन कितने जानवर आते हैं. बाबू सुनो हर ईयर मोर देन 1000 हायवानलर गेलियर 2000 büyükbaş 3500 tane küçükbaş geliyor. यहाँ पर कहते हैं 2000 बड़ी गायें जो मतलब बड़ी जो तगड़ी गायें हैं वो 2000 की क्वांटिटी में आती हैं हर साल और 3000 साल 3000 छोटी मतलब जो नॉर्मल गाय. तमाम चौक शुक्र अल्लाह. जी व्यूअर्स तो जैसा कि आपने देखा कि आज मज़ेदार विज़िट किया हमने मंडी का तुर्की में. अलादीन बे हैवान पसारी इस जगह का नाम है और बहुत बड़ी ये जगह थी. हमने आपको बताया कि कितने जानवर यहाँ आते हैं कितने खूबसूरत जानवर यहाँ हमने आपको दिखाए. तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और इवन ये कि यहाँ से ले जा भी सकते हैं और यहाँ बुक करा के रख भी सकते हैं. और एक्चुअली तुर्की में यूरोप में और दुबई के अंदर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि उसके अंदर ये भी होता है कि आप बुक करा के उन्हीं को दे दें और वो फिर उसकी कटिंग करके और सब कुछ करके आपको ईद वाले दिन आपको डिलीवर कर देते हैं पूरा मतलब काट के उसको पैकेट्स के अंदर सेव करके और पैकेट्स बना के वो भी आपको दे देते हैं. तो वो भी ऑप्शन यहाँ मौजूद होता है. जी व्यूअर्स तो इन खूबसूरत जानवरों के साथ आज का व्लॉग आज की वीडियो करते हैं ख़त्म और बहुत जल्द बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अभी आगे आने वाली हैं और बीच में थोड़ा सा गैप आया वीडियोस के अंदर और अब मैं कंटिन्यू वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि मेरे दोस्त आली भाई उमर भाई और शान भाई सब ने और इसके अलावा दूसरे मेरे दोस्तों ने बहुत मुझे कहा कि भाई आप जो टर्की की इन्फॉर्मेशन है TRC से रिलेटेड और इसके अलावा किस तरह यहाँ का वीज़ा निकलता है एक्सपेंस कितना आता है लिविंग स्टैंडर्ड क्या है लाइफ स्टाइल क्या
है, इन सारी चीज़ों पर भी मैं बहुत जल्द आप नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको जो है वो बताने वाला हूँ। टर्की की सारी चीज़ें, स्पेशली हाउ टू सेटल इन टर्की, ये हमारा नेक्स्ट जो है वो टॉपिक होगा वीडियो का। तो आप देखते रहें राष्ट्रवर इन्फो। तो आज की वीडियो में हम आपसे इजाज़त लेते हैं, उम्मीद है आज की वीडियो, आज का एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।